बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और दो रंग का डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन के लिए हमें 2 के मल्टीपल से फंदे चाहिए और ये डिजाइन हमारा 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। हमें चार चार सिलाइयाँ हर कलर से बनानी है, तो आप चाहें तो इसे 2 कलर से बनाएं या मल्टी कलर में भी आप बना सकते हैं। तो कलर चेंज करते हुए हमें हर कलर चेंज करके चार चार सिलाइयाँ हमें बनानी है। तो मैं यहां से डिजाइन शुरू करती हूं। यहां मैं पहला कलर लगा रही हूं। पहला कलर लगा के पूरी सिलाई सीधी बुननी है। इस सिलाई में हमारा कोई डिजाइन नहीं पड़ेगा। पहली सिलाई सीधी बुनकर कंप्लीट कर ली है और दूसरी सिलाई को हमें उल्टी बुनकर कंप्लीट करना है। इस सिलाई में भी हमारा कोई डिजाइन नहीं पड़ेगा। तो 2 सिलाइयां हमें डिजाइन की, एक सीधी और एक उल्टी बनानी है। दो सिलाइयां एक सीधी और एक उल्टी बुनकर मैंने कंप्लीट कर ली है। अब तीसरी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा और 2 फंदों का एक करना है। इस सिलाई में हमें सारे दो 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 फंदों के एक करते जाना है। सारे फंदों को 2 फंदों का 1, इन 2 फंदों को एक साथ बुना। इस तरह हमारी सिलाई में एक एक फंदे हर 2 फंदे में कम हो रहे हैं। 2 फंदों का 1 किया तो 1 फंदा कम हो गया। पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। 2 फंदों का 1 किया। लास्ट फंदा सीधा बुन देना है। वे डिजाइन की चौथी सिलाई है, उल्टी साइड। पहला फंदा बिना बुने उतारा। अब पिछली सिलाई में हमने 2 फंदों का 1 किया था, तो एक एक फंदे हमारे घट रहे थे। अब हमें क्या करना है, पहला फंदा ऐसे, सॉरी, ये धागा पीछे करना है। दूसरा फंदा, पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुनना है। फिर हमें यहाँ से इस धागे के नीचे से सिलाई डालकर 1 फंदा बुनना है। तो इस तरह हमारे फिर ये 2 फंदे हो गए। फिर इस फंदे को सीधा बुना और वहाँ यहाँ से 1 फंदा उठा लेना है। फिर एक एक फंदा हमारा बढ़ता जा रहा है। ऐसे 1 फंदा बुना, फिर 1 फंदा यहाँ से लिया, फिर 1 फंदा ऐसे बुना, फिर 1 यहाँ से। पूरी सिलाई ऐसे ही बुनते हुए सीधे बुनते जाना है। 1 फंदा सीधा बुना, फिर 1 फंदा यहाँ से धागा सिलाई डालकर 1 फंदा बुन लेना है। दो सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की सीधी बनती है, एक सीधी और एक उल्टी, और ये 2 सिलाइयों पे ही हमारा डिजाइन पड़ता है। इस फंदे को ऐसे सीधा बुना और इसको यहाँ से सिलाई डालकर 1 फंदा बुन दिया। एक फंदा यहाँ से लेना है और इस फंदे को धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन देना है। तो इन्हीं 4 सिलाइयों को हमें रिपीट करते जाना है। एक बार मैं आपको फिर से कलर चेंज करके बताती हूँ। फिर 4 सिलाइयों के बाद हमें कलर चेंज करना है। तो पहला फंदा सीधा बुना और सारी सिलाई पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट करनी है। जैसे हमने यहाँ पहली सिलाई सीधी बुनी थी और दूसरी सिलाई उल्टी बुनी थी, तो वैसे ही कलर चेंज करके भी 1 सिलाई सीधी और 1 उल्टी बुननी है।
दो सिलाइयाँ मैंने दूसरे कलर से भी बना ली, एक सीधी और एक उल्टी। अब तीसरी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा सीधा बुन देना है, फिर दो फंदों का एक करते जाना है। पूरी सिलाई में फिर हमें सारे फंदे दो फंदों का एक करके बुनते जाने हैं, ऐसे दो फंदों का एक करने हैं। ऐसे सीधा बुन देना है, फिर उल्टी सिलाई में एक फंदा बिना बुने उतारा और धागा पीछे करके यहां से एक फंदा ऐसे उठा लेना है, फिर इस फंदे को सीधा बुनना है, फिर एक फंदा यहां से उठाना है और एक फंदा ये सीधा बुनना है। तो एक फंदा हमें नीचे से लेना है और एक फंदा ये बुनना है। इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करनी, एक फंदा यहाँ से लिया, एक फंदा ऐसा सीधा बुन दिया, फिर एक फंदा यहाँ से लिया और इस फंदे को सीधा बुनना है, एक फंदा यहाँ से लिया, एक फंदा ये, फिर एक फंदा यहाँ नीचे से लिया और ये एक फंदा सीधा। पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। लास्ट का फंदा उल्टा बुन देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे दूसरे कलर से भी ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। तो इन्हीं चार चार सिलाइयों को हमें कलर चेंज करते हुए बनाते जाना है। तो बनने के बाद हमारा डिजाइन ऐसे दिखता है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये डिजाइन डालें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिजाइन कैसे लगा और मेरी वीडियो बनाने का तरीका आपको कैसे लगा। थैंक यू।